मंगलवार को हरनाव दाशाहजी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मुख्य दो आरोपियों को अजमेर के सरवार से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से बर्तन व्यापारी के आरोपी फरार चल रहे थे, जिसको लेकर कस्बे के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सोमवार को हरनाव दाशाहजी पुलिस को चेतावनी भी दी थी कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कस्बे के संपूर्ण बाजार बंद रख उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बारान कल्याण मल मीना ने बताया कि दिनांक 16 दिसंबर को समय 6:30 बजे हरनाव दाशाहजी पुलिस को सूचना मिली कि हरनाव दाशाहजी के बाग वाले बालाजी मेला ग्राउंड के स्टेज पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी विजेंद्र सिंह हरनाव दाशाहजी थाना जाप्ता मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक लाश खून आलूदा पड़ी हुई है। लाश के पास मोबाइल व कपड़े पड़े हुए थे एवं लाश से थोड़ा दूर स्टेज के नीचे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक की पहचान बर्तन व्यापारी हनुमान मिश्रा के रूप में होना पाया गया। मृतक के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने चोटें कारित कर हत्या की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कल्याणमल मीना पुलिस अधीक्षक बारान उमेंद्र सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त छाबड़ा साइबर सेल FSL टीम व डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। उक्त घटना पर मृतक के भाई राजेश मिश्रा की रिपोर्ट पर थाना हरनाव दाशाहजी पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बारान द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए।